नाज़रीन, इस टाइम स्ट्राइक में हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ हुई है जिसके अपने ही बेटे को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया, लेकिन उन्हें अभी तक किसी किस्म का इंसाफ नहीं दिया गया। हम जानते हैं इनसे इसके बारे में। जी सर, बताइएगा कि वाकया कब पेश आया और पुलिस ने किस हद तक आपको सपोर्ट की और क्या मुलजमान को अभी तक सज़ा मिली या नहीं? सर, 22वें रोज़े बच्चा घर से इफ्तारी लेने के लिए निकला, उसके बाद वो घर नहीं आया। हमने उसके पीछे काफ़ी उसको ढूंढा, लेकिन एक साथ इनके सुनसानी गांव है जोहर टाउन के साथ, उसमें एक छोटी सी आबादी है जहाँ पे सारे लोग रेंट पे रहते हैं। वो भी बंदा जो जिसने ज्यादती की है वो भी रेंट पे रहता है। वो साथ वाली बिल्डिंग में लेके चला गया, उसके बाद उन्होंने उसके साथ जना किया, ज्यादती की, उसके बाद उसको ईंटें मार के उसको मार दिया। लेकिन पुलिस ने काफ़ी उस वक्त हमारे साथ हेल्प की, लेकिन बंदा इस वक्त जेल में है, लेकिन अभी तक कोई उसकी डेट नहीं निकली, कोई इंसाफ मिलने की तो हमें नज़र नहीं आ रही। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारा यहाँ का कानून बन गया कि पुलिस मुलजिम को तो पकड़ लेती है पर वो अदालत में जाके जमानत ले लेते हैं या कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्या यही सीन क्या कुछ आपको लग रहा है कि हो सकता है कि जमानत में जाए, या आपके क्या डिमांड है कि आपके बेटे के उस मुजरिम को क्या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? सर, लग तो ऐसे ही रहे, क्योंकि उसका एक भाई भी साथ पकड़ा गया था, उस वो जमानत पर बाहर भी आ गया। अब वो कहता फिरता कि उसने दूसरे लोगों की अपने भाई की भी जमानत रख ली है, इसमें उसकी वालदा भी शामिल थी, उसका वालद भी शामिल था, एक उनकी भाभी थी वो भी इस केस में शामिल है, लेकिन अभी लगता नहीं है कि हमें इंसाफ मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, इस कातिल को सज़ा मिले और फांसी दी जाए, शरेआम फांसी दी जाए, ताकि लोगों को पता चले, जो कि इस वक्त ये टर्न ही चल पड़ा है। अब इतने केसेज हो गए हैं, ये 3-4 दिन में पढ़ पढ़ के खून के आंसू दिल रोता है कि ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में तो कोई इंसाफ की चीज़ रह ही नहीं गई। अब पुलिस पकड़ तो लेती है, लेकिन वो आगे जेल भेज देती है, वो कहती है हमारा काम ख़त्म हो गया। हमारे साथ भी ऐसी हुआ है, तो इनको तो फांसी देनी चाहिए। जितने भी मुलजमान हैं इस जाति केस के, जितने भी पूरे पाकिस्तान में मुलजमान हैं, इनको सरेआम सजा दी जाए, उसके बाद ही कुछ हमें इंसाफ की तवक्को है कि फिर ये काम रुक सकता है। आप हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से क्या डिमांड करें? हम किराए पर रहते की जानिब से कोई इमदाद दी गई या वहाँ के कोई भी सियासी शख्सियत की तरफ से आपको कोई इमदाद की गई हो या आपको कोई सपोर्ट की गई? कोई आदमी मेरे पास नहीं गया, किसी ने मेरे को बोला भाई ये 2 महीने का या 3 महीने का या राशन मल्ले वाले है जो एक टाइम का राशन दे दे या रोटी दे दे, वो मल्ले वाले मदद कर रहे हैं, केड़े ना खाना क्या भी भूखे बैठे हैं, किराए वाला क्वार्टर वाला किराया मांगता है, कोई वजीर आला, कोई वजीर पंजाब, कोई भी किसी ने MP MN कितने भी है ना, ये और अच्छा है, बड़ा बड़े लोग हैं, तो सब वजीर आजम भी जाते बैठा हुआ है। थैंक यू।